for the day is, never lose hope. You never know what brings tomorrow for you. I repeat, never lose hope. You never know what brings tomorrow for you. बच्चों, अब हिंदी में इसका अर्थ जानते हैं। जीवन में कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल आपके लिए क्या होने वाला है ये कोई नहीं जान सकता। समझ गए? सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, पिछली बार हमने पाठ 3 मैं और मेरा परिवार एक गतिविधि के माध्यम से समझा था। बच्चों, आज हम इसी पाठ की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तैयार है आप? बच्चों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पाठ 3 मैं और मेरा परिवार। बच्चों, मैं मतलब क्या होता है? मैं मतलब जब आप अपने बारे में बोलते हैं। लेकिन ये कहानी कौन सुना रहा है, कौन अपना परिचय दे रहा है? अपने परिवार का परिचय वंश। तो मैं यहाँ पे वंश के लिए यूज हुआ है, यानी वंश और उसका परिवार। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम वंश है। अब बच्चों, पहले ही जो शब्द है दोस्तों, उसमें देखो आप संयुक्त व्यंजन यूज हुआ है ना? संयुक्त व्यंजन का इस्तेमाल हो रहा है, आधा सा और ता। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, जब दो व्यंजन एक साथ होते हैं और पहला और दूसरा दोनों ही व्यंजन अलग अलग होते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा नाम वंश है, मैं 7 साल का हूँ। 7 एक गिनती है ना, गिनती में आता है। 7 साल का हूँ तथा कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। 2 भी गिनती है और कक्षा में श भी मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये संयुक्त अक्षर है ना? क्योंकि ये श जो है वो 2 व्यंजन से मिलकर बना है, क जमा श, श से षटकोण वाला। ठीक है, इसमें 2 साउंड है जो मिलकर एक ध्वनि पर बना रही है, श श है ना? और इनके बीच में एक हिडन वर्ड होता है, हिडन लेटर भी है, आधा क जो कि हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी साउंड है, कक्षा। कक्षा नहीं बोलेंगे, कक्षा है ना, जैसे रक्षा, लेकिन र और श होता है, बीच में क की साउंड आ रही है ना, रक्षा। तो ऐसे ही आधा क की साउंड है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, श जब ये वाला लगेगा। ठीक है, कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर है। मेरे घर में कुल 6 लोग हैं। 6 भी बच्चों एक गिनती है, तो हमने 7 गिनती पढ़ी, 2 पढ़ा, अब हम 6। मेरे मम्मी पापा, अब देखो बच्चों, मम्मी में आधा माँ है और फिर पूरा माँ है, यानी कि ये द्वित व्यंजन है, द्वित व्यंजन है ना, जब दोनों व्यंजन एक जैसे हों। जैसे उसमें तो डिफरेंट थे दोस्तों में, इसमें सेम है, जब सेम होते हैं तो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, मैं और मेरी छोटी बहन ईशा। मेरे पापा बिजली विभाग में नौकरी करते हैं तथा मम्मी हिंदी अध्यापिका हैं। अब यहाँ पे अध्यापिका मतलब जो हमें शिक्षा देते हैं, है ना, जो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। अब आप कहेंगे पढ़ना लिखना तो मम्मी पापा भी सिखाते हैं। हाँ, जरूर सिखाते हैं, लेकिन जब यही शिक्षा आपको आपके विद्यालय में एक शिक्षक के माध्यम से, शिक्षिका के माध्यम से दी जाए तो वह अध्यापिका बन जाते हैं। ठीक है, वे विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ घर को भी अच्छी तरह संभालती हैं। मेरी छोटी बहन 2 साल की है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर 2
दो आया है, दो भी गिनती है ना, दो भी गिनती है एक, तो आपने सात, दो, छः, ये सब गिनती के शब्द हैं। वे बहुत प्यारी भी है। और अब बच्चों देखो, सबसे अब बच्चों आप स्क्रीन पर एक चित्र देख पा रहे हैं। इसमें दादाजी हैं, दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, वंश है और ईशा है मम्मी की गोद में। तो बच्चों ये एक संयुक्त परिवार का चित्र है ना, क्योंकि इसमें तीन जनरेशन के लोग हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, वंश और ईशा। ठीक है, चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। शैतान भी है, प्यारी भी है, शैतान भी है। वह मेरी सारी किताबें लेकर इधर उधर कर देती है। मुझे विद्यालय, माफ कीजिए, मुझे विद्यालय जाता देखकर वह भी विद्यालय जाने के लिए बहुत रोती है। जब वह पढ़ने लायक हो जाएगी तब उसका दाखिला विद्यालय में कराया जाएगा। मेरे दादाजी प्रतिदिन, अब बच्चों यहाँ पर जो आप प्रतिदिन शब्द देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये जानिए कि ये एक कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड मतलब जिसमें जो दो शब्द से मिलकर बना हो और दोनों शब्द का अपना एक अलग अलग अर्थ भी हो, अलग अलग मीनिंग भी हो। जैसे प्रति, प्रति का अपना एक अर्थ है और दिन का भी है। और जब हम इन दो शब्दों को जोड़ देते हैं, वही मैथ्स वाली बात आ गई कि जब हम 2 + 2 करते हैं 4 हो जाता है, वही प्रति और दिन को अगर जोड़ेंगे तो प्रतिदिन बन जाएगा। ऐसे शब्दों को बच्चों हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। अभी हिंदी में अगर समझाऊंगी तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा समझना, आप अभी इसका इंग्लिश वर्जन ही देखिए। प्रतिदिन बगीचे में घूमने जाते हैं और कभी कभी मुझे भी ले जाते हैं। दादी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं, वे मुझे बहुत प्यार करती हैं। आजकल मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है, जिसके कारण उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। उनका इलाज भी चल रहा है, वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत अच्छी कहानी है बच्चों। अब देखिए आपने पाठ से जाना, हमें अपने बारे में दोस्तों को जानकारी देना अच्छा लगता है। ऐसा करने से हम एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं। परिवार के लोगों की जानकारी मिल जाती है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों आज आप जब हमने पिछली बार एक कहानी पढ़ी थी प्यारा प्लूटो, तो उस वाले पाठ में बच्चों हमने उ की मात्रा और ई की मात्रा के शब्द अलग किए थे ना। इस बार बच्चों आप ओ की मात्रा, ओ शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड बोथ दोनों शब्दों को आप इस पार्ट से अलग कर कर एक जगह लिखकर मुझे भेजेंगे, ठीक है, मतलब अपनी टीचर्स को भेजेंगे। तो बच्चों आज आपने जाना वर्ण, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन, संयुक्त अक्षर,
आदि का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से एक पाठ को पढ़ा जाता है। बच्चों आपको हिंदी की एक अच्छी बात बताती हूँ, जैसा आप उच्चारण करेंगे ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है? समझ में आया? अभी जब आप और आगे पढ़ेंगे मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है? चलिए अपना ध्यान रखिए। हाँ, और इस पाठ को पढ़ना भूलिएगा नहीं, आपको इसको इसी तरीके से इसका मौखिक अभ्यास करना है। अब जब हमारी दूसरी कक्षा होगी, दूसरी वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगी, तब मैं आपको इसके नए शब्द कराऊंगी, वाक्य बनवाऊंगी और शब्दार्थ कराऊंगी, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। ओके बच्चों, बाय।